हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पालक विथ पॉपी सीड बनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम पालक फाइनली चॉप्ड, मेथी सीड, आलू लंबाई में कटी हुई, हल्दी पाउडर, पॉपी सीड और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, मस्टर्ड ऑयल। पैन गरम होने के बाद इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। एक चम्मच मेथी सीड डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मेथी दाना फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी तेल में हम आलू को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढक के थोड़े देर के लिए पकाएंगे। आलू फ्राई हो चुकी है। इसमें आप 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। और काटी हुई पालक डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और इसे ढक के पकने देंगे। पालक काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें अपना टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढक के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। पालक और आलू बिल्कुल बन चुका है। अब हम इसमें पॉपी सीड की पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक पॉपी सीड बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।